इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज कथा के प्रथम दिवस हम लोग कुछ स्मरण करेंगे भगवत भाव को। विगत 3 दिनों से मैं सोच रहा हूँ कथा क्यों सुनी जाए, कथा क्यों कराई जाए। ये कानपुर से आते मैंने प्रीति बेटा से और माँ से पूछा कि तो कथा क्यों कराई जाए, अब कथा कराई जाए तो कथा क्यों सुनी जाए। कथा गाई जाए तो समझ में आता है, कथावाचक को दक्षिणा मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, बहुत सारी बातें। कथा हम खर्च करके कराएं ही क्यों, काहे कराएं। हमारे बच्चों के विवाह के 25वें वर्षगांठ पर राजकुमार बाबू और सुनीता जी के विवाह की 25वीं सालगिरह पर भगवत कृपा से यह महोत्सव संभव हो पाया है। और ये तो विदेशी आदमी है, भारत में कमी रहते हैं, तो भारत से बाहर जिसका बहुत प्रेम हो वो भारत में रहकर, और वो भी ऐसे मौके पर, न जाने लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। लेकिन प्रश्न वही है, कथा क्यों कराई जाए, कथा क्यों सुनी जाए, कथा क्यों गाई जाए का उत्तर तो हमने निकाल लिया है। 2 प्रश्न मूल है। मैं कथा वही सुनाऊंगा जो आप कहोगे कि कार्ड पर आपने कुछ भी छोड़ा नहीं है, सब कुछ लिख दिया है, तो समझने वाले को इशारा काफी है। फिर भी जो शीर्षक पंक्तियां हैं आपके कार्ड की, उनका हम स्मरण करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी धन्या गिरिराज उपकारी पूछे
भगवान शिव माँ भवानी के प्रश्न करने पर कि जो परमार्थी मुनि लोग हैं, तत्ववेत्ता हैं, विज्ञ हैं, भगवान का नाना प्रकार तत्व निरूपण करते हैं, सरस्वती जी शेष नारायण जिन भगवान का अनेक प्रकार गुणानुवाद करते हैं, अब कहते हैं जिनका न आदि है न अंत है, फिर भी आप जिनके नाम का राम 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 दिन रात जप करते हैं, और राम जी कौन है, ऐसा प्रश्न माँ भगवती का भगवान शिव से भया। प्रश्न सुनकर भगवान शिव बड़े गदगद हुए, हर्षित हो गए, हर्षित ही नहीं मगन हो गए, मगन ध्यान रस दंड जुग। दो घड़ी 48 मिनट शिवजी ध्यानस्थ हो गए, फिर मन को पुण्य मन बाहर की रघुपत चरित महेश तब हर्षित बरनय ली। प्रश्न सुनकर उत्तरदातार मगन हो गए, क्यों? प्रश्न हमारे इष्ट के बारे में। अपनी बात सुनकर तो जीव प्रसन्न हो सकता है, जीव का स्वभाव है, परंतु प्रयोगात्मक स्वरूप में भगवान की बात सुनकर जिसको आह्लाद हो जाए, आनंद भाव उत्पन्न हो जाए, वह भगवान का भक्त है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन्य हरि कथा नजो हर शाती। भगवान शिव कहते हैं, देवी वज्र के समान वह छाती कठोर है जो भगवान की कथा सुनकर हर्षित नहीं। भगवान जिसको हर्ष हो वो भक्त है। सुनाइए न कथा, मेरे से कोई कथा कराने आता है तो मैं यहीं से ही पूछता हूं, आप कथा क्यों कराना चाहते हैं? कोई हेतु है? वैद जी ने बताया है कलकत्ता वाले कथा कराइए, क्यों कराए?
हम कथा तभी करा सकते हैं जब हम भक्त हैं। क्यों करानी चाहिए कथा? प्रश्न पहला यही है, क्यों कराए कथा? इतना बड़ा तमाशा में तो बिटिया का विवाह हो जाएगा, क्यों कराओ कथा? कराने से होती नहीं कथा। लोग कथा का आयोजन ठान लेते हैं फिर वो होती नहीं। जब तक परमात्मा नहीं चाहते हैं तब तक परमात्मा की कथा स्वयं प्रकट नहीं होती। ये कथा प्रकट हो रही है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंग, कम सकल लोक जग सकल लोक जग पावनी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।